बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगे, यानी नायब सिंह सैनी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हरियाणा में इस बार दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी हो सकता है, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। अनिल विज और भव्य बिश्नोई डिप्टी सीएम हो सकते हैं। 8 से 9 विधायक भी आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो मनोहर लाल खट्टर की जगह पर नायब सैनी, वो चेहरा जो हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी सरकार के कार्यकाल को आगे बढ़ाएगा। हालांकि अब हरियाणा में चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं रहा है, लेकिन इससे पहले ये जो फेरबदल की गई है उसको दरअसल 2024 में यानी इसी वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। एक और अहम जानकारी दे दें आपको, नायब सैनी के गांव में जश्न का माहौल है। लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर और लड्डू बांटकर जश्न मनाया है। थोड़ी देर में सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सैनी, यानी नायब सैनी के नाम का जैसे ही औपचारिक ऐलान हुआ उसके बाद नायब सैनी के गांव में घर में वहां पर जश्न का माहौल है और ढोल नगाड़ों के साथ लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। विशाल ठाकुर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट। विशाल, क्या ये प्री कैलकुलेटिव था? और अगर प्री कैलकुलेटिव नहीं था तो ये फेरबदल क्या माने कि 2024 को ध्यान में रखते हुए? देखिए, बिल्कुल 2024 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारा का सारा फेरबदल किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नायब सैनी जो हैं वो कुरुक्षेत्र से एक सांसद भी हैं और एक दलित समाज का बड़ा चेहरा भी हैं। तो 2024 को साधने के लिए जो है ये सारा का सारा फेरबदल किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने आज इस्तीफा अपने पद से दे दिया है, उनको लोकसभा चुनाव भी लड़ाया जा सकता है और दूसरे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लोकसभा के साथ साथ विधानसभा को साधने की तैयारी जो है वो भाजपा यहाँ पर कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जेजेपी पिछले 4.5 साल से गठबंधन में थी वो इस गठबंधन से बाहर होती हुई नजर आ रही है और जो इंडिपेंडेंट एमएलए थे वो अब सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये पूरा फेरबदल होना था तो उसमें नए मंत्री, चाहे वो इंडिपेंडेंट है या फिर जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जेजेपी के कई विधायक भाजपा के संपर्क में है उनमें भी से मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये सारा का सारा 2024 को साधने की तैयारी जो है वो भाजपा ने पूरी रणनीति के साथ की है और उसका रणनीति का असर जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा की सियासत में देखने को भी मिल रहा है, जिसमें नया चेहरा नायब सैनी जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर अभी थोड़ी देर में यहाँ पर शपथ लेंगे। आप देखिए मेरे पीछे ये तस्वीरें हैं और शपथ समारोह 5 बजे का रखा गया है। तमाम जो गेस्ट हैं जो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और यहीं पर जो है वो शपथ समारोह जो है वो यहाँ पर जो है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2024 और लोकसभा चुनावों को साधने के लिए जो है ये भाजपा ने नई रणनीति बनाई है और उसी नई रणनीति के तहत जो है नया मुख्यमंत्री अब। अच्छा, मैं 2 पॉइंट पर आऊँगा क्योंकि जो नई रणनीति की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसको मैं समझूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़े से नायब सैनी के प्रोफाइल के बारे में लोगों को जानकारी मिल पाए, क्योंकि बीजेपी सरप्राइज करती है और ये पहली बार नहीं है कि वहाँ पर चेहरे बदल दिए जाते हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण गुजरात में भी हमने देखा है, हमने त्रिपुरा में भी देखा है। तो ये प्रोफाइल कैसा है, जनता से कनेक्टिविटी कैसी है और बीजेपी को उसका क्या फ़ायदा मिल सकता है नायब सैनी के सामने आने से? देखिए, बिल्कुल 1996 से इनका राजनीतिक करियर जो है वो शुरू होता है। संगठन में रहे, युवा संगठन में ये रहे हैं, भाजपा के दमदार नेता के तौर पर इन्हें जाना जाता है। अभी मौजूदा में कुरुक्षेत्र से ये सांसद हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं हरियाणा के। तो एक जो दलित चेहरा है उसके रूप में इनकी काफ़ी पकड़ भी मजबूत है हरियाणा में और पार्टी में भी मजबूत जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये पिछली बार जब भाजपा सत्ता में आई थी तब ये राज्य मंत्री भी सरकार में रहे, तो इनकी पकड़ संगठन से लेकर आम लोगों में है। और सबसे बड़ी बात है कि मनोहर लाल खट्टर जो अपूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं उनके भी नजदीकी जो है वो नायब सैनी है और उन्हीं की वजह से जो है वो अध्यक्ष पद। विशाल, आप अपनी नजर बना के रखिए, तो ये जो पूरी अपडेट है वो लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे क्योंकि हरियाणा